हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हमारे पास आईपैड 7 है, तो मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये इसकी क्या प्रॉब्लम है। ये डेड है, बिल्कुल डेड है, तो इसको कैसे आपने चेक करना है, क्या मसला हो सकता है, ये मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। वीडियो कट करूँगा यहाँ पर। ये देखें, चार्जिंग लगाया हुआ है, 2.06 एम्पीयर ले रहा है, चार्जिंग सर्किट बिल्कुल ओके है, ले रहा है और छोड़ रहा है, ठीक है। तो इसका कुछ इशू है, बूस्ट सीपीयू बूस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। सीपीयू में कुछ इशू लग रहा है क्योंकि चार्जिंग सर्किट ओके है, पावर सर्किट भी ओके है, ठीक है। शॉर्टेज होगा तो फिर इस तरह के एम्पेयर नहीं लेता, शॉर्टेज में एम्पेयर जो है ना वो फौरन ड्रॉप करता है, 0.6 लेके ड्रॉप करेगा, तो शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो इसे सप्लाई पे हम चेक कर लेंगे, ठीक है। पावर सप्लाई आपने इस तरीके से लगा लेनी है, प्लस वाला प्लस पे, रेड वाला जो है ना वो ग्राउंड में लगा लेना है, और इसे LCD लगा के भी आप चेक। तो ये पावर मैंने दी है, देखें स्टार्टअप इसका कैसे ले रहा है, इसके स्टार्टअप एम्पेयर ले रहा है, ये देखें 10, 1560, ठीक है। फिर 100, 200 पे लेके फिर वापस हो रहा है, ठीक है। तो जो पावर सर्किट है ये बिल्कुल ओके है, क्योंकि पावर सर्किट ये नॉर्मल शो कर रहा है, CPU बूस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो CPU बूस्ट नहीं होगा तो iPad ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो iPad ऑन नहीं होगा, उसके लिए आपको ऑन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो iPad आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। मैंने वीडियो कटिंग की है ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए, मेन मकसद आपको ट्रिक बताना है, मतलब सॉल्यूशन बताना है, मेरा काम है आप लोगों को सॉल्यूशन बताना है। इस तरह का आपके पास फॉल्ट आएगा तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो बोर्ड शॉर्ट आपने एहतियात से निकाल लेना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, फिक्सर में फिक्स भी करना है, और ये पत्री आपने उतार लेनी है, ये यहाँ पर ये CPU है, ठीक है, इसे आपने रिमूव करना है। और रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपने इसके साइडों पे जो ग्लू लगी होती है उसे आपने रिमूव करना है, ठीक है। ये लाजमी ग्लू करनी है आपने, इस टेम्परेचर पे इसकी जो पेस्ट लगी होती है हार्ड, उसे आपने रिमूव करना है इस तरह, इस स्क्रैपर से। तो 260 टेम्परेचर है और एयर 50 है, मैंने मेंशन कर दिया है, तो ये आपने जेहन में रखना है, ठीक है। CPU की तरफ आपने ये ब्लेड को यूज़ करना है, चारों साइडों पे जो कैपेसिटर है उनका ध्यान रखना है, और रेजिस्टेंस का वो नहीं तोड़ने, ठीक है। तो जिस साइड से हमने उठाना है उस साइड से हम इसको जो है ना वो प्लास्टिक और स्टील को तोड़ लेंगे, यहाँ पे ये जो मैंने अभी बताया है यहाँ से। और उसके बाद आपने CPU उतारना है, तो यहाँ पे ये तीन कैपेसिटर वगैरह जो जिस साइड से मैं अभी उठाऊँगा इस साइड से आपने उतार लेने हैं, ठीक है। और टेम्परेचर 370 और 70 एयर पे आपने करना है। छोटी नोज़ल यूज़ कर सकते हैं, बड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, मेरा हाथ बैठा हुआ है मतलब प्रो लेवल में, तो मैं छोटी नोज़ल से भी उतार लेता हूँ, आप बड़ी नोज़ल से यूज़ करें, ठीक है, CPU के प्रिंट डैमेज नहीं होंगे। तो आपने जब ये बुलबुले अभी निकालने लगे हैं ना, ठीक है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा इस साइडों पर ये बुलबुले नज़र आ रहे हैं ना। CPU उठाना कब होता है, ये तब उठाना होता है जब ये बुलबुले निकाल रहा हो, जहाँ से बुलबुले निकाल रहा है वहाँ से आपने इसको यहाँ से इन करना है, ठीक है। ये देखें जिस साइड से हमने जगह बनाई है यहाँ से इन किया है, और उसके बाद इससे पीछे वाली साइडों पे हीट देना है, और साथ साथ जहाँ पे उठ रहा है उस साइड पे हीट देना है, ठीक है। जहाँ से उठ गया वहाँ हीट नहीं फिर देनी, वरना फिर आपका ख़राब हो सकता है CPU पीछे से, जहाँ से नहीं उठ रहा वहाँ पर फिर हीट देनी होती है। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट उतर गया, ठीक है। तो इसे मैं रिबॉल कर लूँगा, रिबॉलिंग का तरीका आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। तो वो आपने कर लेनी है, ये देखें ये रिबॉल कर लिया, ठीक है। तो याद रखें ये CPU बिल्कुल इसका अपना होना चाहिए, इसका डाटा रिकवर करने के लिए, ये आपने डैमेज नहीं करना। अगर आपका डैमेज हो भी जाता है तो डाटा तो आपका नहीं बचेगा, लेकिन डैमेज CPU रिपेयर हो भी जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता, वो मेरी आप प्रो लेवल की वीडियो आ रही है कमिंग सून में, वो आप देखिएगा कि अगर CPU के प्रिंट ख़राब हो जाए तो कैसे बनाने हैं। ये अभी ऑल डन हो गया, ठीक है, CPU ये हमने लगा लिया, आपने देख लिया। तो अब हम इसे चेक करेंगे, फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था जो अगर आपका CPU के प्रिंट डैमेज हो जाएँ, ठीक है, उनको कैसे बनाना है, ठीक है, वो मैं आपको तरीका बताऊँगा, वो भी बन जाते हैं डाटा रिकवरी के लिए। अगर आपका iPad 7 का CPU ख़राब हो जाता है, या iPad 6 का A10 CPU, तो आप iPhone 7 का Intel वाले बोर्ड का CPU लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, वो आप CPU इस पे लगाएंगे तो आपका iPad फिर भी आपको सॉफ्टवेयर करने के बाद चल जाएगा, बस
लगाने के बाद आपका ये DFU में चला जाएगा और उसके बाद आप उसे ऑन कर सकते हैं, मतलब आपका आईपैड डेड नहीं हो जाएगा, आप नया CPU लगा सकते हैं इस पर तो वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फिर आप बाईपास कर लें, आपका iCloud मूव हो जाएगा तो iPad यूज़ होने के काबिल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने ये देखें डाटा भी इसका रिकवर किया हुआ है और ये वर्किंग हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी और लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।